अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शाहरुख खान की पठान मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उस फिल्म में क्या क्या प्रॉब्लम आई है और क्या क्या मुसीबतें आई हैं, आज उसी सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 महीना पहले जिस चीज़ के लिए बहुत सारे यूट्यूबर ने, बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई गई थी SSR की जस्टिस के लिए, लोगों को लगा था कि CBI आएगी शायद इंसाफ मिल जाएगा। मैं किसी को यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहा, किसी को यहाँ पे बदनाम नहीं कर रहा, या फिर किसी को यह भी नहीं कह रहा कि ये मुजरिम हो सकता है। भारत की नागरिकता को निभाते हुए मैं ये ज़रूर सवाल करूँगा अपने सरकार से, गवर्नमेंट से, कि क्या जो इंसाफ की आवाज़ जिस तेज़ी से उठी थी, क्या आज उतनी तेज़ी से SSR को इंसाफ मिला। अपनी काम CBI कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है और करेगी भी, उसके ऊपर हमारी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और मैं उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए SSR के लिए। अगर नहीं तो फिर हमें अपने आप पे, हमारे जो आस पड़ोस में लोग हैं उनको लेकर के भी काफ़ी चिंताजनक चीज़ें हमें सामने देखने को और महसूस करने को मिल सकती है। इस पे आपका क्या राय है, क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पठान मूवी की जो शूटिंग हो रही है शाहरुख खान की, कुछ मुसीबतें आई हैं उस फिल्म को लेकर के। जैसा कि आपको भी पता चला होगा कि शाहरुख खान की जो फिल्म, पुरानी फिल्में आई थी जिसमें ओम शांति ओम, फिर उसके बाद जीरो, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप मूवी रही, जिसको पब्लिक ने बहुत ही बुरे रिव्यू दिए, उसी तरह से पठान मूवी को लेकर के आज इतनी सारी कंट्रोवर्सी आ रही है जिस कारण से इस मूवी की शूटिंग भी टल चुकी है। बात है कल की, एक वीडियो वायरल हो रही है शाहरुख खान की, जो वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। उस वीडियो में शाहरुख खान शूटिंग के दौरान अचानक उनके हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यू हो जाती है और शूटिंग के सेट पे कुछ इश्यू हो जाती है, जिस कारण से वो शूट पर से कैसे निकलते हैं वोटिंग पकड़े हुए। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। किस तरह से शाहरुख खान एक हुडी पहन करके वहां से सेट पर से निकले। हालांकि फिल्म की शूट जो हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन फिल्म का रिलीजिंग जो डेट है वो अगले दीपावली को, यानी 2021 में दीपावली को रिलीज होगी। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन होती है एक बड़े बड़े सुपरस्टार से, आए दिन कंट्रोवर्सियाँ होती रहती हैं। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है और क्यों होती हैं ये भी आप जान लो। कोई भी अगर कंट्रोवर्सी होती है फिल्म को लेकर के, अभी हाल में ही एक सैफ अली खान की कंट्रोवर्सियल बयान आई थी, रावण को उन्होंने एक पूज्य स्तर का, एक निम्न बहुत उच्च कोटि के स्तर का रोल निभाने में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये वाक्य कह के उन्होंने रावण को उच्च दर्जा दिया, जिस कारण से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और बाद में उन्होंने फिल्म का प्रमोशन भी किया आदि पुरुष उसी को लेकर के, और फिर उसके बाद शौरी भी बोल दिया। तो रीज़न ये होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में कंट्रोवर्सी तब होती है क्योंकि उनको अपनी फिल्म को कंट्रोवर्सी में ला करके उनको नाम फैलाना होता है कि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है या फिर फिल्म की शूट हो रही है। अंदर की चीज़ समझो, गहराई से चीज़ों को समझो कि कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो वो पब्लिक स्टंट होता है। अगर पठान मूवी को लेकर भी कुछ पब्लिक स्टंट की जाती है, इसलिए की जाती है कि फिल्म रिलीज होने तक इतनी सारी पब्लिसिटी मिल जाए कि हमें मार्केटिंग में पैसे कम लगाने पड़े। तो इस तरह से बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने माइंड का यूज़ करते हैं। लेकिन जिस तरह से इतनी कंट्रोवर्सी हुई शाहरुख खान पे, बहुत सारे फैंस ने यह कहा कि इस फिल्म को पूरी तरह से बायकॉट करी जाएगी और इस फिल्म को कभी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सी आए सामने जो शाहरुख खान के फैंस बहुत सारे नाखुश हैं उनसे। दोस्तों आप लोगों की क्या मनसा है इन सारे बातों पर, इन सारे विचारों पर, पठान मूवी को लेकर के आपकी क्या सोच है, और SSR को जस्टिस इतने दिन तक नहीं मिला, इस विषय में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उस पर विचार अपने ज़रूर रखता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।